नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस खूब पसंद आ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट्समैन के रूप में यहाँ ढेरों सारे उपलब्धियाँ हैं आपके लिए। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरियाँ पाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राफ्ट्समैन के रूप में जो सुनहरा मौका आप पा सकते हैं उसकी पूरी विस्तृत जानकारी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ड्राफ्ट्समैन का पद एक टेक्निकल पद होता है। जी हाँ, ड्राफ्ट्समैन क्या होता है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ड्राफ्ट्समैन विभिन्न सरकारी और प्राइवेट सेक्टर क्षेत्रों में कार्य करता है। ड्राफ्ट्समैन एक टेक्निकल पद है, इसीलिए जो भी उम्मीदवार टेक्निकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस पद के लिए योग्य हैं और इच्छुक हैं तो ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें ढेरों जॉब की संभावनाएं मौजूद हैं आपके लिए। अगर आपके पास टेक्निकल योग्यता है और आप इस क्षेत्र में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका साबित हो सकता है, जहां विभिन्न ट्रेड्स जैसे कि आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा, इन सब में आपके लिए ढेरों उपलब्धियाँ हैं, ढेर सारे अवसर हैं यहाँ आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राफ्ट्समैन एक टेक्निकल पोस्ट होती है, इसलिए ये प्रमुख तौर पर किसी प्रोजेक्ट की परिकल्पना से लेकर उसके फंक्शन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ उसके पास आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन बनाए या फिर किसी पूर्व में बनाई गई डिज़ाइन से एक्सनेबल डिज़ाइन लेआउट ट्रेस करना आना चाहिए आपको। अब आपको बता दें कि कौन सा उम्मीदवार ड्राफ्ट्समैन के लिए योग्य होता है। तो इन सब के अतिरिक्त ड्राफ्ट्समैन को पेपर वर्क के अंतर्गत डिज़ाइन से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन रखने, आवश्यकता अनुसार डिज़ाइनों में फेरबदल या फिर सुधार और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार फील्ड या वास्तविक सैंपल के अनुरूप डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इसके लिए ये जरूरी होता है कि ड्राफ्ट्समैन को तकनीकी सर्किट संरचना, बिल्डिंग सहित अन्य जैसे इमेजिनेशन, ड्राइंग, स्केलिंग, मैपिंग, इन सब में पारंगत होना चाहिए। इसी के साथ ड्राफ्ट्समैन मशीनों को डिज़ाइन बनाने और सुधार करने में भी सक्षम होना चाहिए। और आइए अब आपको बता दें कि ड्राफ्ट्समैन के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि यहां आपको याद ये रखना है कि ट्रेनी के रूप में कार्य आरंभ करने के बाद ही आप सीनियर ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं और इसके लिए आपको अनुभव होना भी आवश्यक है। हालांकि ड्राफ्ट्समैन बनने के लिए जिन योग्यता का होना आवश्यक है उनमें कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी शामिल है, सॉफ्टवेयर का वर्किंग नॉलेज और निर्देशों के अनुसार डिज़ाइन का ड्राइंग तैयार करने में भी निपुणता आपको हासिल होनी चाहिए। अगर ये सारी योग्यता आपके पास है तो ही आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक ट्रेनी के रूप में भले ही आप ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए करियर आरंभ कर सकते हैं, लेकिन सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर किया जाता है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन सरकारी नौकरी के और भी ऐसे ही वीडियो सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको हमारा चैनल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।